An Academy. Let's crack it. तो सर अब आप बुक लिस्ट, जैसे कि एनसीईआरटी तो हमें पता ही है कि 6 to 12th की हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही होती है, और सर क्या एनसीईआरटी स्किप करके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं? हाँ जी, देखिए मुझे, मेरा इसमें एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं या हम तैयारी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को बुक वाइज ना देख के किसी भी सब्जेक्ट को उसके सिलेबस के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिस पे आप पीएचडी भी कर सकते हो बिल्कुल और कितनी ही किताबें पढ़ सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पूरी लाइफ भी हिस्ट्री को पढ़ते रहोगे तब भी आप हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना वाइड और इतना वास्ट है कि उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते और उसमें किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि यूपीएससी के लिए आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है। हाँ और इसीलिए जब हम यूपीएससी के लिए हिस्ट्री कितना पढ़ना है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक बुक की बात करने के बजाय हम जाएंगे सिलेबस के ऊपर कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब करा है, ताकि हमारा वो सिलेबस उन बुक से कंप्लीट हो जाए। ठीक तो है सर। मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती थी कि रादर देन गोइंग टू बुक्स, आई शुड बी फोकसिंग ऑन ओनली ऑन दी सिलेबस पार्ट, सिलेबस, ओके। और वो सिलेबस मैं कहाँ से कर सकता हूँ। तो अगर आपका ये फोकस रहेगा, तो आप बुक्स के लिए बहुत ज्यादा जो है एक आपका ऑब्सेशन नहीं रहेगा कि मुझे यही बुक पढ़नी है और यही कंप्लीट करनी है। तो उसी पे अगर हम चलें, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो मैंने करा था वो बिपिन चंद्रा, जो एनसीईआरटी हमारी बुक है, उसके करने के बाद मैंने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री को पढ़ा था। स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक और है। उसमें उसमें जो है जो लास्ट में समरी एक से बहुत अच्छे से हाँ वहां सर, वो तो बहुत ही सेवियर है, मतलब वो तो काफी अच्छा है। पर, हाँ जी, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे उसमें बहुत अच्छे से समरी उन्होंने बना के दिया, तो आप उसको अगर रिवाइज करते हैं, और क्योंकि समय भी आपके पास इतना नहीं होता कि आप पूरी की पूरी बुक को रिवाइज कर सकें, तो वो समरी बिल्कुल। आप पढ़ लेते हैं तो वो जल्दी आपका रिविजन हो जाता है, जो कि अच्छा है। उसके अलावा आप जो ये बुक्स पढ़ें, तो मेरा एक मानना है कि आप अपने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कुछ ऐसे नोट्स बना लें या बुक में अंडरलाइन कर लें या कुछ भी इस तरीके से अपने आप बना के चलें, ताकि जो मेंस में, जैसे मेनली मेनली मेंस में ऐसा रहता है, क्योंकि मेंस में दो दो एग्जाम आपके दिन सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में एग्जाम रहते हैं, पेपर रहते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कंप्लीट बुक को कर सकें। तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज सारा सिलेबस विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में उसको रिवाइज करना होता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास कुछ ऐसे क्रिस्प चीजें हों, कुछ ऐसे नोट्स हों, जिसको आप उस टाइम पे फटाफट करके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपके आपके जहन में आ जाए और एक रिविजन आपका हो जाए। तो जब भी आप ये बुक्स पढ़ें, तो आप छोटी छोटी चीजों को नोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट्स को नोट कर सकते हैं, मेंस के लिए आप जो है कंसेप्चुअल चीजों को नोट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये बुक्स सर, हैं एंशियंट एंड मेडिवल के लिए? जी। देखिए, एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने सिंपल एंशियंट और मिडिवल, बिकॉज एंशियंट और मिडिवल सिर्फ प्रीलिम्स में ही काम आता है। हम जब मेंस में जाते हैं तो वहां पे आर्ट एंड लिटरेचर का पोर्शन आता है, तो प्रीलिम्स के पोर्शन के लिए मैंने लूसेंट की एक बुक आती है, उसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से उन्होंने एंशियंट और मिडिवल दे रखा है। तो मेरे पास समय की भी कमी थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, सो इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं ज्यादा बुक्स में जा सकूं। अदरवाइज मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं बुक्स भी पढ़ता, लेकिन मैंने लूसेंट से, जब प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने लूसेंट से एंशियंट और मेडिवल वाले पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करी, और शायद उन्होंने बहुत क्रिस्प तरीके से उन चीजों को दे बहुत रखा ही है, जो फैक्चुअल, उन्होंने जो डेट्स दिए हैं दे रखा उन है, चीजों जो को कि आप लिख कहीं ना कहीं दिया हैंडी। हाँ हाँ जी, प्रीलिम्स में आपके लिए अच्छा रहता है। है। और सर, आर्ट एंड कल्चर के लिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटी करी थी, जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, और कुछ मैंने जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थी मेंस के टाइम पे, वो वीडियोस देखी थी, अवेलेबल रहती हैं यूट्यूब पे, आपको पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड भी रहती हैं, जैसे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि राजस्थानी आर्ट पेंटिंग्स या इन चीजों से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और सर, वैसे भी आर्ट एंड कल्चर तो ऐसी चीज है कि अगर हम देखें वीडियो से, जैसे कोई म्यूजिक है, कोई राग है, अगर हम उसे पढ़ें तो शायद भूल जाए, बट अगर हम उस राग को सुन लें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैंने आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन जो वीडियो से देखा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगर एक बार देख लेते हैं, पढ़ने से ज्यादा अगर आपने उसको देखा है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने की बजाय अगर मैं उसको देख लूंगा तो हाँ, इट विल, और एनसीईआरटी जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बुक अच्छा। को पढ़ें और उसके बाद यूट्यूब वीडियोज देख सकते हैं। सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेंस में?
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अवेलेबल रहते हैं, वो आप किसी की भी नोट्स ले सकते हैं, और यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वर्ल्ड हिस्ट्री के। हाँ तो हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से जनरली मेंस में ही वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा पोर्शन आता है, हाँ और उसमें से जनरली एक या दो क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। हाँ हाँ आपको बहुत ज्यादा टाइम उस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक बेसिक भी अगर करके चलेंगे तो आई थिंक आप उसको कर पाएंगे। ठीक है सर। सर तो पॉलिटी पे आते, पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन सब कुछ मतलब इंक्लूड करके ही बता दीजिएगा। हाँ जी, देखिए पॉलिटी के सबसे जो मेन सभी को पता है, जो जी इंडिस्पेंसिबल बुक है, वो तो लक्ष्मीकांत जी हैं ही। और उसके बाद जो आपको मेंस के लिए जो लक्ष्मीकांत में जो है आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि प्रीलिम्स में आपके लिए काफी अच्छी रहती है, लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वो आपकी वो पूर्ति नहीं कर पाएगी जो मेंस में आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए चाहिए। तो बिल्कुल मेंस के लिए मुझे लगता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं यूपीएससी के और उनको लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी जो है जो आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं वो अच्छी होती जाएंगी और आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और लक्ष्मीकांत में से हर बार यूपीएससी दो या तीन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से आते हैं, जो कि फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कि दी कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा राइट क्वेश्चन। तो और उससे लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कैग से रिलेटेड और उसकी पावर्स, और इस तरह से कुछ उससे लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था दैट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और समथिंग। बिल्कुल तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे, आप वो चीजें तो आप लक्ष्मीकांत से अगर अच्छे से करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। गवर्नेंस के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी बताइएगा। ओके, गवर्नेंस के लिए देखिए, गवर्नेंस के लिए मुझे लगता है कि जो आप न्यूज़पेपर करते हैं न्यूज़पेपर से आप गवर्नेंस को करिए, क्योंकि गवर्नेंस से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे। तो इनको किसी एक पर्टिकुलर स्लिप मतलब किसी एक पर्टिकुलर बुक या किसी एक जगह से पढ़ने की बजाय आप करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान में दीजिए, क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके अभी जो चीजें करंट अफेयर्स में आपकी चल रही गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई एक्ट आया है, कोई लॉ आया है, उसका क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें। सर हाँ सॉरी सर। सर ये मंथली मैगजीन्स जो होते हैं क्या ये ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस मामले में, जैसे कि योजना इस तरीके की? हाँ, ये भी काफी हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि योजना तो गवर्नमेंट की ही एक जो है मैगजीन है, तो योजना तो इंडिस्पेंसेबल चीज है। आप अगर गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी चीज जानना चाहते हो तो योजना इज द बेस्ट थिंग, पीआईबी योजना जो आप ने अभी लिखा, हाँ तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है अगर आपको गवर्नेंस या गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कोई चीज जाननी है, और बहुत अच्छे से उसमें वो जो है एक्सप्लेन करके देते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन से मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में आप जो है जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काम करती है, तो देयर आर डिविजन्स लाइक देयर विल बी अफ्रीकन डिविजन, यूरोपियन डिविजन, यूएसए विल बी देयर, चाइना, पाकिस्तान, इस तरह से होता है। तो हम अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशंस उसको भी इसी तरीके से तैयार करें कि हमारे जब हम इंडिया एंड अफ्रीका से जब हमारे रिलेशंस आते हैं तो क्या प्रोस हैं, क्या कौनस हैं, कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे किसकी जरूरत है। वैसे ही जब हम यूएसए की बात आती है तो हम यूएसए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हम यूएसए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीजें, यूरोप की बात आती है तो यूरोप में कौन सी कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, और जो है आशियान, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में आप बांट लीजिए और उन ब्लॉक्स का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और उनके लिए हम क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों को अगर आप एक बार एनालाइज कर लेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उसके बाद बस आपको जो है अपडेट करना होता है कुछ ऐसे नया, कुछ अगर आप कुछ अमेंडमेंट होती है या कुछ ऐसा हम किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी नया कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी में आता है तो बस आप उसको अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज जो बेसिक कंटेंट है वो सेम ही रहता है। तो हाँ एक बार आप उस वैसे कर लेंगे तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है सर। ज्योग्राफी के लिए बताइए सर। हाँ जी, ज्योग्राफी के लिए जो मैंने करा था वो मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी ही करी थी 11th और 12th क्लास, और अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेसिक एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 6th क्लास, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम जो हालांकि हमने पढ़ी होती है 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, लेकिन यहाँ तक आते आते हम उन चीजों को भूल जाते हैं, वो बहुत हाँ बेसिक चीज होती है। हाँ तो अगर आप 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे तो बहुत बेसिक से वो स्टार्ट करते हैं और आप इजिली उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे।
और अगर आपको लगता है कि ये चीजें मैंने समझ ली हैं या मुझे आती हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास इजी लगती है तो आप सेवन्थ में चले जाइए, सेवन्थ की इजी लगती है तो एट्थ में चले जाइए, एट्थ की इजी लगती है तो नाइन्थ में। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, और 10th क्लास तक करने के बाद 11th और 12th की एनसीईआरटी वो हैं बार बहुत इम्पोर्टेंट. बार रिविजन, हाँ जी, जहाँ से आप बार बार चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए आप 11th और 12th को करिए, दिस इज सफिशियंट। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हम जीसी लियोंग से भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यह बताया जाता है कि जीसी लियोंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा जरूरी, बिकॉज जीसी लियोंग को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है, एक फॉरेन ऑथर ने उस बुक को लिखा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे जार्गन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, और हम बहुत सारा टाइम उसमें जो है अपना वेस्ट कर देते हैं। तो जीसी लियोंग में से कुछ चीजें हैं, जैसे वेदर वाला जो पोर्शन है वो जीसी लियोंग से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा है। और जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है जहाँ पे टाइमिंग और उससे रिलेटेड जो जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप अच्छे बढ़िया से कर सकते हैं, उसमें कुछ कंसेप्ट हैं जीसी लियोंग में। और बाकी अगर आप 11th और 12th की अगर जो एनसीईआरटी से करके अगर ज्योग्राफी को करके चलेंगे तो आई थिंक दिस विल बी सफिशियंट। और कुछ पोर्शन हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जैसे कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक पोर्शन आता है ज्योग्राफी की मेंस के सिलेबस में, आप उसको आप 11th की इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की बुक है वहां से आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में उन्होंने दिया है अच्छे से, या फिर आप नेट से भी उसको सर्च कर सकते हैं। मतलब वो एक स्पेसिफिक सिलेबस है जो नहीं आता है, मिसलेनियस सम सिलेबस, मैं इसको मिसलेनियस सिलेबस में मान के चलता था कि जिसके लिए आपको जो जो सिलेबस आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा उसको आप उस पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर चीज को नेट से सर्च कर लीजिए, कहीं से अपने नोट्स बना लीजिए, किसी बुक से उठा के नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बार बार बुक्स को रेफर ना करना पड़े और वहीं से आप कर सकते सर, हैं। एटलस कौन सा ले, कोई भी ले सकते हैं क्या? हाँ जी, एटलस को आप कोई भी ले सकते हैं, जनरली ऑक्सफोर्ड ही चलता है, आप वो ले सकते हैं या कोई भी आप एटलस ले सकते हैं उसमें। और मुझे लगता है एटलस अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है तो आपको एटलस सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चाहिए, अगर हाँ आपका ऑप्शन है तो शायद हो सकता है कि आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़े। हाँ राइट सर. सर इकोनॉमी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए इकोनॉमी के लिए मुझे जो लगता है अगर आप बिल्कुल यूपीएससी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकोनॉमी के लिए एज सच कोई बुक नहीं है जो मैं मेरी मेरी नजर में, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इकोनॉमी के लिए है कि आप बेसिक समझें, और बेसिक समझने के बाद फिर आप करंट अफेयर्स, बिल्कुल सही आपने लिखा, करंट अफेयर्स इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इकोनॉमिक्स। अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक समझने के बाद आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में अपने आप को ध्यान रखें, उससे अपने आप को जोड़ के चलें कि जो भी गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है या जो भी हमारा बजट आता है, सर्वे आता है, पॉलिसीज हम जो भी बनाते हैं, स्कीम्स नई नई स्कीम्स आती हैं वो हम क्यों बना रहे हैं, वो उसका उसका क्या मतलब है और उसका आगे जाके क्या इफेक्ट होगा, अगर हम उन चीजों को समझ पाते तो हम अच्छे से हमारी जो है जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाएगी और हम अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। सर जैसे क्लास कि 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, वो बेसिक्स के लिए सर मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल होती होगी. हाँ जी, हाँ जी, वो बेसिक के लिए काफी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें दोनों हैं। जनरली जो एक ट्रेंड रहता है वो कुछ नोट्स का भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं या फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाती हैं, तो क्योंकि कई बार आप खुद एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो शायद वो चीजें नहीं समझ पाते, इकोनॉमिक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो कुछ चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं अपने आप, वो अगर आप यूट्यूब से देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे या कुछ नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है वहां से देख लेंगे, तो बेसिक थिंग जो है इकोनॉमिक्स में, पहले आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से करें, अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें उनको, और फिर उसके बाद जो भी हमारे गवर्नेंस की जो भी स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट की जो जितनी भी हमारी जो स्कीम्स हैं उसको उन चीजों से जोड़ के देखिए। आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट कम करी है तो वो क्यों करी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि रेपो रेट कम करने से क्या होता है कि बैंक्स ज्यादा लोन ले पाएंगे, आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे या फिर ज्यादा पैसा ले पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गई, अगर बैंक ज्यादा पैसा ले पाएंगे तो आगे लोन ज्यादा दे पाएंगे, और अगर आगे लोन ज्यादा मिलेगा तो जो है कंपनीज जो है या फिर जो हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई फैक्ट्रीज लगेंगी तो नई जॉब्स मिलेंगी, नई जॉब्स मिलेंगी तो इनकम लेवल बढ़ेगा,
इनकम लेवल बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी का लेवल बढ़ेगा। तो बिल्कुल एक बहुत एक सिंपल कंसेप्ट जो है, बस हमने सिर्फ ये देखा, न्यूज आई है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। हमें पता होना चाहिए कि इस इंटरेस्ट रेट कम करने का क्या मतलब है, चेन रिएक्शन। हाँ जी, क्यों कम किया गया है। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अगर मन में रहेगी तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे ही एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, अभी जो फार्मर्स के लिए जो जो कानून बनाए गए हैं, हालांकि वो एक अलग मैटर है कि उसपे जो भी अभी इशू चल रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी एग्रीकल्चर में, वो जो प्रॉब्लम्स जो फेस करी जा रही थी उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, और वो कानून कैसे उस चीज को दूर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए उस चीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन किसी चीज को मगअप करना कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप हर एक चीज को रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। रादर देन यू शुड हैव दैट एनालिसिस पार्ट इन योर माइंड कि कोई भी चीज क्यों करी जा रही है और उसका क्या हमारे जो इकोनॉमी पे, हमारे देश पे, या हमारी पूरे जो है ओवरऑल जो हमारी स्कीम्स या लोगों के ऊपर जो क्या उसका क्या इफेक्ट होगा, और वही चीजें यूपीएससी पूछती है आपसे। सर रमेश सिंह पढ़ना कैसा रहेगा? एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा भी है इकोनॉमी के लिए। ओके, देखिए रमेश सिंह बहुत अच्छी बुक है, मैं नहीं पढ़ पाया था, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। मेरे जो बुक लिस्ट रही है या जो मेरे पढ़ने का तरीका रहा है वो इस तरीके से रहा है, उसके उसमें कुछ कांस्टेंट मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक जॉब में था जिसकी वजह से मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं था, अवेलेबल नहीं था मेरे पास कि मैं वो सारी बुक्स रेफर कर सकूं जो कि जनरली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो है बताई जाती हैं या बोली जाती हैं कि आप ये बुक्स पढ़िए। मैं वो सारी बुक्स नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरा जो पढ़ाई करने का या तैयारी करने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैंने बुक्स की बजाय सिलेबस पे फोकस करा, और उस सिलेबस को आप कहाँ से कर सकते हैं, मैंने उस चीज पे फोकस करा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से एक चीज के पीछे लगे रहिए, और अगर आप उस चीज से अगर अपने लगे रहेंगे तो आप किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, आप नेट से पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, आप न्यूज पेपर से पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज है कि आपके अंदर वो एक एबिलिटी डेवलप करना कि जो 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 यूपीएससी चाहती है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है और क्या आप वही चीज डेवलप कर पा रही हैं या नहीं। अगर आप वो रमेश सिंह पढ़ के भी अगर आपके अंदर वो चीज नहीं डेवलप हो पाई तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बुकलेट पढ़ के या किसी एक छोटे से एक किसी नॉर्मल इंसान ने भी आपको समझा दिया और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रमेश सिंह पढ़ना। और रमेश सिंह एक अच्छी बुक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसके अच्छे रिव्यूज भी हैं, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती हैं। लेकिन इससे पहले आपका ऑप्शनल क्या था सर? सभी पूछना चाहते हैं। ओके, सो माय ऑप्शनल वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके हाँ जी, सर, ठीक है। तो सर एनवायरनमेंट के लिए बताइए सर प्लीज। ओके, एनवायरनमेंट के लिए जो जनरली पढ़ा जाता है वो प्रीलिम्स के लिए हम शंकर आईएएस को रेफर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो सकती है फॉर फॉर यूपीएससी फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट इज शंकर आईएएस की, जो एक एनवायरनमेंट की बुक आती है। उसके अलावा बहुत सारे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मंथली मैगजीन्स निकालते हैं उसमें हर महीने जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास करंट अफेयर्स की न्यूज रहती है वो रहती है, तो वो न्यूज भी इम्पोर्टेंट है अगर आप उसको भी अच्छे से करेंगे। बिकॉज मेनली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो किसी मतलब रादर देन स्टेटिक सिलेबस में होने की बजाय वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो आप उस करंट अफेयर्स पे अगर फोकस करेंगे अच्छे से करेंगे, मंथली मैगजीन से कर सकते हैं, तो आपका मुझे लगता है कि आप मतलब जो प्रीलिम्स के लिए जितना एनवायरनमेंट चाहिए उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। और राइट। हाँ जी, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन चीजों को ध्यान रखिए कि जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कि बहुत अहम टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीजें। डाटा बुक लिस्ट IUCN। हाँ जी, जो भी इन चीजों में जो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉपिक्स काफी अहम मुद्दे बन चुके हैं आप उन मुद्दों को ध्यान में रखिए, और उन मुद्दों को ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनवायरनमेंट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या कहेंगे?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं वही बोलना चाहूंगा कि जनरली हम यहाँ हम बोलते हैं कि 10th तक की आप एनसीईआरटी कर लीजिए, लेकिन रिसेंटली जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, उसमें रहा है कि अभी स्टैटिक सिलेबस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है यूपीएससी का। और यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए फॉर साइंस एंड टेक के लिए। तो जितने भी जो मैंने बोला था कि मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उन मंथली मैगजीन्स में से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहता है, आप उस टेक्नोलॉजी को साइंस एंड टेक आई थिंक सर की तरफ से थोड़ा स्टक हो गया. लेट्स वेट गाइस, लेट्स वेट फॉर हिम. सर के साइड से थोड़ा सा वो स्टक हो गया है. सर प्लीज रिफ्रेश फ्रॉम योर साइड. गाइस जब तक सर रिफ्रेश कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि ये सर ने जो बुक लिस्ट बताई है हमारे सामने है, और इन्होंने जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी करंट अफेयर के रोल के बारे में बताया, और स्टैटिक के लिए जो बेसिक्स का पार्ट होता है उसके लिए आप क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ सकते हैं. हालांकि आपको क्लास 12th की जो बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है. बायोलॉजी की जो क्लास 12th है उसके अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों का ही पोर्शन मिल जाएगा. सर इज देयर अगेन, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अगेन. हाँ सर, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे. हाँ जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बोला कि मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उनको कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम साइंस एंड टेक को देखें तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से जनरली यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हम बोलते हैं उसको, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज साइंस, सही. हाँ जी, जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हाँ, बिल्कुल. और दूसरा स्पेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी नई जो चीजें आई हैं जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि साइंस एंड टेक के पोर्शन में आपको अच्छे से करके जानी चाहिए। सर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है. आई थिंक बायो की जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसमें काफी कंटेंट अच्छा दिया हुआ है बेसिक्स के लिए. आई थिंक सर की तरफ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, बट आई थिंक या ही इज बैक अगेन. ये सर, तो सर अब मैं यही बता रही थी स्टूडेंट को कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है क्लास 12th वाली, दैट इज ओके, बट आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह की एनसीईआरटी रिक्वायर्ड नहीं है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो मेन फोकस है वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी नॉलेज चेक करें, बेसिकली यूपीएससी चाहती है कि आप कितने अच्छे से किसी चीजों को समझ पाते हैं, और जो कि नेशनल लेवल पे उन चीजों का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स में हम बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती हैं, और सिमिलरली बायोलॉजी में हम जैसे जो मेडिकल फील्ड से चीजें जनरली जो चीजें होती हैं, तो हमें इन चीजों को बहुत डीप में ना जाके इनका इनके बारे में एक फेयर नॉलेज होनी जरूरी है। और उस फेयर नॉलेज को आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जब आप कोई भी ऑफिसर बन जाएंगे उसको आप गवर्नमेंट जो है सिनारियों में कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, उन चीजों को समझना जरूरी है। जब आप इन चीजों का खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं ये जो चीज पढ़ रहा हूँ ये मैं गवर्नमेंट में एक ऑफिसर के लेवल पे इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि शायद मेरे को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट लेवल पे आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसका इतना नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो शायद कहीं ना कहीं आप खुद ही उन चीजों को समझने लग जाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल.